हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बैलेंस शीट के बारे में। उसके जो मेजर हेड्स थे वो हमने देखे थे। तो वो मेजर हेड्स के अंदर कौन से कंपोनेंट्स आते हैं वो हम आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है फॉर्मेट बैलेंस शीट का। हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लायबिलिटी साइड क्या आता है और असेट साइड क्या आता है। ठीक है, ये सारे जो है वो मेजर हेड्स हैं। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे कि ये पूरे हेड्स बनते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। फर्स्ट है शेयर होल्डर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स कैपिटल। उसमें पहला कंपोनेंट आएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या है? कंपनी जब पब्लिक से पैसा उठाती है तब पब्लिक को शेयर देती है और सामने पैसा लेती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब उसके नीचे है शेयर प्रीमियम। अब ये एक्चुअली ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम एक साथ ही कंपनी के पास आता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, कंपनी ने जो शेयर पब्लिक को दिया है उस पे फेस वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है, पर जो पब्लिक जिस प्राइस पे ख़रीदती है शेयर, वो 10 रुपये नहीं होगा, वो 10 रुपये से जनरली ज़्यादा ही होता है, क्योंकि कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपये नहीं है, उससे ज़्यादा है। तो जो कंपनी की मार्केट वैल्यू है शेयर की, उस पर पब्लिक खरीदेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कंपनी की शेयर की मार्केट वैल्यू 50 रुपये है, तो भले ही शेयर पे लिखा है फेस वैल्यू 10 रुपीज़, तो वो 10 रुपीज़ पे पब्लिक नहीं खरीदेगी, वो 50 रुपये पे खरीदेगी। कंपनी जब ये 50 रुपये शेयर के लेती है तो उसको वो बाइफर्केट करती है। फेस वैल्यू जो लिखी है वो लिखा जाएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में। तो फेस वैल्यू थी 10 रुपये शेयर की, तो यहाँ पे 10 रुपये लिखे जाएंगे, पर कंपनी को 10 रुपये नहीं मिले हैं शेयर के, 50 रुपये मिले हैं। तो 40 रुपये जो है वो कंपनी को उसके शेयर का प्रीमियम मिला है। ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू के कारण। तो वो जो 40 रुपये आए वो यहाँ पे लिखे जाएंगे शेयर प्रीमियम में। ठीक है, देन थर्ड है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब मैंने जो सेबी की सीरीज़ बनाई थी उसमें ये सारा मैंने डिटेल में बताया है। तो अगर आपको ये वर्ड्स नहीं पता है और आपको डिटेल में जानने हैं, तो आप मेरे सेबी की सीरीज़ के जो शुरुआत के कुछ वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने समझाया था कि डेट और इक्विटी का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसमें दोनों के थोड़े थोड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंपनी ने इशू किया है और बहुत लंबे टाइम के लिए किया है, मतलब उसका टेन्योर 15-20 साल का है, तो फिर वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स इक्विटी में गिना जाएगा। ठीक है, देन आता है जनरल रिज़र्व। रिज़र्व का मतलब होता है कंपनी ने जो अपना पैसा किसी भी तरीके से बचा के रखा है वो यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, कंपनी अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट होता है उसमें से जो पैसा आता है, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च में जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट कंपनी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती है और वो यहाँ पे इकट्ठा करती है पैसा, उसको बोलते हैं जनरल रिज़र्व। उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन रिज़र्व। तो ये कब पिक्चर में आता है? मान लो कंपनी के पास फिक्स असेट्स हैं, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, ये सब है। तो ये जब बनाए होंगे कंपनी ने, उसके बाद जब वो यूज़ करेगी तो वो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन के दौरान ये असेट्स यूज़ होंगे। ठीक है, तो उनका डेप्रिसिएशन होगा। तो कंपनी क्या करेगी, अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या जो कि बैलेंस शीट है उसके अंदर हर साल ये जो फिक्स असेट्स हैं उनकी वैल्यू कम करते जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी ऑन बुक्स, मतलब ऑन पेपर वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, लगभग बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, पर एक्चुअल में असेट तो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, असेट तो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, ऐसा जब होगा जब उसकी वैल्यू लगभग कम हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तब वो फिर से वो असेट का वैल्यूएशन करवाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी भी असेट चालू है और अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, भले ही उसका ऑन पेपर वैल्यू उसकी ज़ीरो हो गई है, वो अभी भी फंक्शनिंग है। तो कंपनी जब रीवैल्यू करवाएगी तब मार्केट में उसकी वैल्यू फिर से आएगी, मतलब अगर यही असेट को मार्केट में बेचने जाओ तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो बुक में उसकी वैल्यू लगभग ज़ीरो थी और रीवैल्यूएशन करने के बाद जो उसकी वैल्यू वापस बढ़ गई है, ठीक है, तो एक तरीके से कंपनी को वो बेनिफिट हुआ। ठीक है, उसके असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो वो जो रिवैल्यूएशन में जो कंपनी को बेनिफिट हुआ है वो यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में डालेगी। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा के जितने भी कंपनी के पास पैसे आते हैं, ठीक है,
मान लो उन्होंने जो अपने फिक्स असेट से वो सेल कर दिए, ठीक है, और उस पे कंपनी को प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो वो प्रॉफिट वो यहाँ पे डाल देंगे, ये सब अदर रिजर्व्स में आएंगे। देन फाइनल है सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है एक साल का, उसके एंड में जो नेट प्रॉफिट तुम्हारे पास बचता है, सब सब खर्चे निकाल के, टैक्स वैक्स निकाल के, जो भी एट द एंड बचता है, वो कंपनी ट्रांसफ़र कर देगी शेयर होल्डर्स इक्विटी में। वो इसलिए ट्रांसफ़र करेगी क्योंकि फाइनली कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके हकदार कौन है? शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो फाइनल बैलेंस बचेगा वो कंपनी यहाँ पे डाल देगी। तो ये था तुम्हारा शेयर होल्डर्स इक्विटी। सेकंड है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कंपनी की ऐसी लायबिलिटीज़ जो कि बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है, ठीक है, एक साल के ऊपर की जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म में इंक्लूड होगी। तो उसमें सबसे पहला आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था, कंपनी अगर अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करती है, प्लांट एंड मशीनरी डालती है, तो उसके लिए वो बैंक से टर्म लोन लेती है 5, 7, 10 साल का, ठीक है। तो वो बहुत लंबे टाइम तक कंपनी के बैलेंस शीट में रहने वाला है लायबिलिटी साइड में, तो इसलिए वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे भी इंक्लूड किया था, तो यहाँ पे कैसे आ गया? तो मैंने इसमें बोला था कि अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है बहुत लंबे टाइम तक, 10, 15, 20 साल तक के लिए इशू किया है, तो वो इक्विटी साइड में आएगा। पर अगर वो बहुत कम टाइम के लिए, मान लो 3 या 5 साल के लिए किया है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। क्योंकि इक्विटी का नेचर कैसा है? इक्विटी में जो पैसा आता है वो बहुत लंबे टाइम के लिए आता है। जैसे कि ये शेयर जो है वो उसका पीरियड कोई डिफाइन नहीं है, जब तक कंपनी चलेगी तब तक ये कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही लंबे टाइम के लिए अगर कोई कैपिटल जो है वो कंपनी ने लिया है तो वो यहाँ पे आता है। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है तो वो यहाँ पे कब आएगा? जब वो प्रेफरेंस शेयर्स बहुत लंबे टाइम के लिए इशू गए किए गए हैं, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर एक साल से ज़्यादा के हैं, पर 3, 4 या 5 साल तक के हैं, तो फिर वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएंगे। देन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, कंपनी ने अगर इस तरीके से पैसा उठाया है, ठीक है, तो वो लायबिलिटी में आएगा। इसका नेचर लगभग इसके जैसा ही होता है। नाउ अगेन, अगर आपको ये वर्ड्स पता नहीं है तो मेरे सेबी के सीरीज़ में आप जाके ये वीडियोस मैंने इस पे बनाए हुए हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। देन फाइनली अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ये है कि कंपनी अगर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से बहुत लंबे टाइम के लिए अगर उधार पे पैसा लेते हैं तो उसको बोला जाता है अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि बैंक के जो लोन होते हैं वो सिक्योर्ड लोन होते हैं। जैसे अगर बैंक किसी कंपनी को पैसा देगा तो उसके असेट्स पे बैंक का हक होगा जब तक वो अपनी लोन रिपे नहीं कर देता, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं। उसके अलावा भी बैंक कोलेटरल देती है, प्रमोटर्स की जो खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लोग गिरवे रखते हैं बैंक को, कि इनकेस अगर ये प्राइमरी सिक्योरिटी है उससे पैसा नहीं मिला बैंक को तो कोलेटरल बेच के भी वो ले सकते हैं, ठीक है। वैसे एक्चुअली उल्टा होता है, बैंक पहले एक्चुअली कोलेटरल बेचती है, बाद में प्राइमरी पे आती है। बट एनीवे, अगर बैंक पैसा देती है तो वो सिक्योर्ड लोन माना जाएगा, ठीक है, वो सामने सिक्योरिटी लेती है। पर अगर आप फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से लेते हैं पैसा लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें आप कोई उसको गिरवे चीज़ें नहीं रखते, ठीक है, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं देते, इसलिए उनको अनसिक्योर्ड लोन्स बोला जाता है। तो ये कंपोनेंट्स है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के। देन आते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे, जिसको करंट लायबिलिटी भी बोला जाता है। तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह के लिए आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन ली थी बैंक से, वैसे अगर आप अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लोन लेते हैं तो उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या है? तो आपने बैंक से टर्म लोन लिया, उससे बिल्डिंग बना दिया, प्लांट बना दिया, मशीनरी बना दिया, फर्नीचर, फिक्सचर, एसी, लैपटॉप, ये सब आपने डाल दिया। पर आपका बिजनेस कब चलेगा? जब आप प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो जब कंपनी अपने ऑपरेशंस करती है तो उस दौरान भी उनको थोड़े बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो पैसा कंपनी लेती है बैंक से, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल लोन। तो वर्किंग कैपिटल लोन के अंदर क्या क्या आएगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी को किसी से माल उधार पे लेना है, ठीक है, तो उसके लिए पैसा नहीं है, तो उसके लिए जो बैंक फाइनेंस करेगी उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस या वर्किंग कैपिटल लोन,
ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन ऐसे बनती है कि भाई कंपनी के जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल ख़रीदना, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आया वो पे करना, फिर अपने जो लेबर हैं, ठीक है, उनको वेजेस पे करना, तो ये सब जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, खाने पीने का, चाय पानी का खर्चा, जो भी हो, वो एक्सपेंसेस मीट करने के लिए भी बैंक्स लोन देती हैं, जिसको शॉर्ट टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन बोलते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे इंक्लूड होंगे। देन सन्ड्री क्रेडिटर, ये हमने लास्ट टाइम लायबिलिटी साइड में मेंशन किया था, पर इस पे डिस्कशन नहीं हुआ था। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? जैसे कोई कंपनी है, वो वेफ़र बनाती है, ठीक है, आलू खरीद के उसको प्रोसेस करके वेफ़र के पैकेट बना के बेचती है, तो उसका रॉ मटेरियल क्या हुआ? उसका रॉ मटेरियल हुआ पोटेटोस, ठीक है। तो वो क्या करेगी, डायरेक्टली फार्मर से ही नहीं तो या तो कोई और मिडल मैन से कांटेक्ट करेगी और बोलेगी कि हमको भाई आलू चाहिए, पर हमारे पास फ़िलहाल पैसा नहीं है, तो आप हमें उधारी पे आलू दे दीजिए, ठीक है। तो वो सामने वाली पार्टी जो है वो क्रेडिट पीरियड देगी इनको कि भाई हमको 3 महीने के अंदर इसके पैसे मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो वो सामने वाली पार्टी जो है, जिसने आलू सप्लाई किया है कंपनी को, वो बोला जाएगा कंपनी के लिए सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि उसने उधार पे, क्रेडिट पे कंपनी को माल दिया है, जो कि कंपनी को 3 महीने के अंदर बाद में पे करना है, ठीक है। तो वो कंपनी की लायबिलिटी हो गई, इसलिए वो लायबिलिटी साइड में इंक्लूड होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। देन शॉर्ट टर्म लोन्स, मतलब अगर आपने जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से जो लोन लिए थे अनसिक्योर्ड लोन, अगर वो बहुत लंबे टाइम के लिए लिए हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे, अगर 1 आध साल के लिए लिया है तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। देन स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज़, मतलब आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिस के कुछ पेमेंट बाकी है या टैक्स वैक्स भरना बाकी है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके अलावा की जो भी छोटी मोटी लायबिलिटीज़ हैं जो कि करंट नेचर की है, तो वो अदर करंट में इंक्लूड हो जाएगी। तो ये था करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट्स। देन अब आते हैं असेट साइड पे, उसमें हम करंट लायबिलिटी के जैसा ही जो कंपोनेंट है वो लेते हैं, जो कि है करंट असेट, ठीक है। तो करंट असेट में सबसे पहला है कैश एंड बैंक, कंपनी के हाथ में जो अभी फ़िलहाल कैश है, या तो फिर उनके बैंक में जो कैश डिपॉजिट हुआ है उसको मिला के जो भी टोटल वैल्यू होती है वो यहाँ पे इंक्लूड होती है। अब कैश जो है वो सबसे प्योर फॉर्म है असेट का, ठीक है, वो सबसे लिक्विड फॉर्म है। और कैश हमेशा, भले ही कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखा हो, पर फिर भी उसको करंट में ही गिना जाता है। देन दूसरा करंट असेट है स्टॉक, या तो जिसको इन्वेंट्री भी बोला जाता है। अब इसको करंट क्यों लिया जाता है? क्योंकि स्टॉक बहुत लंबे टाइम तक कंपनी के पास पड़ा नहीं रहेगा, 5-7 साल के लिए, वो बना वो मैक्सिमम 5, 6 या 8 महीने वो बिक जाएगा, ठीक है। तो 1 साल के अंदर ही वो स्टॉक जनरली बिक जाता है, ठीक है, तो उसको करंट असेट बोलते हैं। अब ये तीन चीज़ क्या है, RM, WIP, FG, इसका मतलब है रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स। तो जैसे वो वेफ़र बनाने वाली कंपनी है, वो जब आलू ख़रीदती है और वो अपने स्टॉक में ला के रखती है आलू, तो उसको बोला जाएगा रॉ मटेरियल। फिर उसमें से कुछ आलू जो है वो आगे प्रोसेस में जाएंगे वेफ़र बनने के लिए, मशीन्स में जाएंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस। और उसके बाद फाइनल जब वो पैकेट तैयार होके, वेफर का पैकेट गोडाउन में पड़ा रहेगा, तो उसको बोला जाएगा फिनिश गुड, ठीक है। अब ये असेट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये तीनों चीज़ें, रॉ मटेरियल, वैसे फिनिश गुड मोस्टली केसेस में नहीं बिक पाता है, रॉ मटेरियल बिक सकता है, या सॉरी, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बिक पाता है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड आराम से बिक सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है वो कंपनी बेच के पैसा ले सकती है, ठीक है, तो इसलिए इसको करंट असेट माना जाता है। देन सन्ड्री डेटर्स, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स की तरह ही होते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपने क्या किया था? उधार पे माल लिया था, अब यहाँ पे आप उधार पे माल देंगे, ठीक है। अगर आपने एक बहुत बड़ा बॉक्स वेफर्स के पैकेट का किसी होलसेलर को आपने बेच दिया, ठीक है, बेच दिया मतलब सप्लाई कर दिया, पर वो होलसेलर बोल रहा है कि मेरे पास अभी कैश नहीं है, मैं 2-3 महीने में आपको ये पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, तो फिलहाल के लिए वो तुम्हारे सन्ड्री डेटर्स हो गए, ठीक है। और वो करंट एसेट में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो बाद में थोड़े टाइम बाद वो आपको कैश मिलने वाला है, वो रियलाइज़ होने वाले हैं, ठीक है। देन एडवांसेस टू सप्लायर्स, मतलब कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि भाई हम माल तो आपको भेज देंगे और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 3-1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद भी पैसा दे सकते हैं, पर आपको ये बुक करने से पहले कुछ एडवांस देना पड़ेगा,
ठीक है। तो ऐसे सप्लायर्स को जो एडवांस दिया जाता है वो भी यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, वो करंट असेट में गिना जाएगा। देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अब अगर आपने किसी अपनी सब्सिडियरी में थोड़े टाइम के लिए पैसा डाला है, या तो इवन शॉर्ट टर्म के लिए आपने शेयर्स में, बॉन्ड में या किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाला है, तो वो सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी छोटे मोटे असेट्स हैं जो कि करंट नेचर के हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था शॉर्ट टर्म यानी कि करंट असेट्स। नाउ फिक्स असेट्स, इसके अंदर हमने लास्ट टाइम बात की थी, जो भी कंपनी के मेजर मेजर असेट्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, जो भी है वो सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म असेट्स, नॉन करंट असेट, अब वैसे एक्चुअली ये भी लॉन्ग टर्म ही है, ये भी नॉन करंट असेट्स ही हैं, पर ये थोड़े अलग नेचर हैं इसलिए इसको अलग बताया है। इसके अलावा के जो भी लॉन्ग टर्म असेट्स हैं वो सब यहाँ पे आएंगे। जैसे कंपनी ने किसी और कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स दिए हैं, ठीक है, तो वो आ जाएंगे लोन्स एंड एडवांसेस में। हाँ, पर ये चीज़ याद रखना होता है कि कंपनी अपना खुद का जो बिज़नेस है वो छोड़ के अगर जो कैपिटल लाई है वो मोस्टली वो लोन्स एंड एडवांसेस में अगर दे रही है, तो वो इसका मतलब कंपनी जो है फंड्स डाइवर्ट कर रही है, ठीक है, वो फंड वो एथिकल नहीं माना जाना है माना जाता है। तो इसलिए लोन्स एंड एडवांसेस होने चाहिए पर बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कंपनी ने अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड शेयर्स में बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है, या FD बना के रखी है, या और कोई भी इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, तो वो लॉन्ग टर्म असेट्स में आएंगे। देन अदर नॉन करंट असेट, इसके अलावा के जो भी नॉन करंट असेट्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ये था पूरे बैलेंस शीट के जो मेजर हेड्स थे उसके कंपोनेंट्स। नाउ फिक्स असेट में और आगे हम देखते हैं कि फिक्स असेट में हमने बोला था कि कंपनी जो कैपिटल लाती है या जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग करती है उससे क्या करती है, बिल्डिंग बनाती है, प्लांट एंड मशीनरी बनाती है, फर्नीचर, फिक्सचर और अदर आइटम्स में इन्वेस्ट करती है, तो वो हम फिक्स असेट में बोलते हैं। पर मान लो ये साल में ही कंपनी ने बिल्डिंग बनाई, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये सब बनाया, बराबर, तो उसकी जो टोटल वैल्यू होगी, जब आज की तारीख में जब ये चीज़ बनी है तब उसकी जो टोटल वैल्यू है उसको बोला जाता है ग्रॉस ब्लॉक, ठीक है। जो टोटल वैल्यू कंपनी को, या तो टोटल पैसा जो कंपनी को वो खड़ा करने में हुआ है, ठीक है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर, फिक्सचर, वो सब बनाने में आज की तारीख में जो टोटल पैसा लगा है उसको बोलेंगे ग्रॉस ब्लॉक, या तो उसकी जो टोटल वैल्यू आज की तारीख में होगी वो ग्रॉस ब्लॉक होगी, ठीक है। पर जब ये असेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उनका होता है डेप्रिसिएशन वियर एंड टीयर के कारण। जैसे कि हमने अभी बोला कि आलू बनाने वाली जो कंपनी है वो मशीन यूज़ करेगी आलू कट करने के लिए, फिर उसको फ्राई करने के लिए, फिर उस पर फ्लेवर्स डालने के लिए, तो ये जो मशीन्स हैं वो घिस जाते हैं। जैसे कि आप अगर आप नई कार लेते हो आज, तो उसकी वैल्यू आज जो है वो 5 साल बाद उतनी नहीं होगी, क्योंकि तुमने 5 साल में वो कार यूज़ की हुई है, उसके पार्ट्स जो है वो घिस गए हैं, उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, ठीक है। तो वैसा ही ये कंपनी में जो मशीन्स होती हैं उनका भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो फर्म्स क्या करती है, सबसे पहले तो गिनती है ग्रॉस ब्लॉक, कि भाई जब फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई थी तब उसकी टोटल वैल्यू की थी और वो हमने रिकॉर्ड की थी एज अ फिक्स असेट इन बैलेंस शीट, ठीक है। पर उसके बाद जैसे ही प्रोडक्शन शुरू हुआ तो वो मशीन्स की और बाकी सारे फिक्स असेट्स की वैल्यू कम होती गई, ठीक है। तो वो जो वैल्यू कम हुई उसको वो बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब कंपनी अपने बैलेंस शीट में जो फिक्स असेट की वैल्यू लिखती है वो ये नहीं लिखती है, क्योंकि ग्रॉस ब्लॉक तो हमेशा के लिए सेम ही रहेगा। एक बार तुमने मान लो 1 करोड़ की मशीन इंस्टॉल की, ठीक है, तो वो तुमने जो इन्वेस्ट किया वो तो हमेशा के लिए 1 करोड़ ही रहेगा ना, ठीक है। पर उसके बाद जो मशीन की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। तो ग्रॉस ब्लॉक जो है वो टोटल तुम्हारा वैल्यू ऑफ असेट्स हैं, उसमें से हर साल तुम क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, और अब तक का जो टोटल डेप्रिसिएशन होगा
वो उसमें से निकाल दोगे तो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू मिलेगी असेट्स की, उसको हम बोलेंगे नेट ब्लॉक। ठीक है, तो मान लो कंपनी ने आज इंस्टॉल किए हैं मशीनरीज, तो 5 साल के बाद भी उसकी वैल्यू उतनी थोड़ी रहेगी। ठीक है, और कंपनी को हमेशा अपने असेट्स की जो रियल वैल्यू है वही बैलेंस शीट में बताना होता है। ठीक है, तो आज भले उसकी कीमत 1 करोड़ है, 5 साल बाद उसकी कीमत जो है 40-50 लाख हो जाने वाली है, तो कंपनी को अपने बैलेंस शीट में वो 40-50 लाख की वैल्यू ही बतानी है, ना कि 1 करोड़। ठीक है, तो हमने ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था, यहाँ पे जो फिक्स असेट रिकॉर्ड होते हैं वो जो रियल वैल्यू होती है असेट्स की वो रिकॉर्ड होते हैं, मतलब कि नेट ब्लॉक रिकॉर्ड होता है, ना कि ग्रॉस ब्लॉक। ठीक है, तो ये समझने के लिए अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लो कंपनी ने 2017-18 फाइनेंशियल ईयर था, उसके अंदर 100 रुपये के 100 रुपये की मशीन जो है वो इंस्टॉल की। ठीक है, अब इसमें अज्यूम करना होता है कि भाई कंपनी का जो असेट है, ये मशीनरी जो है वो कितने टाइम चलेगी। जनरली जो सप्लायर है उससे आप बात करोगे तो पता चल जाएगा, वो आपको एक्यूरेट फिगर दे पाएगा। ठीक है, तो अगर सप्लायर बोलता है कि भाई हमने जो ये मशीन इंस्टॉल की है 5 साल तक चलेगी, ठीक है, तो कंपनी की लाइफ हम सॉरी असेट की लाइफ हम अज्यूम कर लेते हैं 5 ईयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 साल के बाद टेक्निकली मतलब ऑन बुक्स उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, भले ही रियल में वो पूरा असेट ख़त्म नहीं हो गया होगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि 5 साल की लाइफ होगी, तो हर साल उसकी वैल्यू कितनी कम होगी, 20%। ठीक है, तो हम डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 20% मान लेते हैं। मतलब आज अगर उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 20 रुपीज़ कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक तो देख रहे हो आप सेम ही रहेगा, क्योंकि अपन ने जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया तब उसकी वैल्यू 100 थी, तो ग्रॉस ब्लॉक 100 ही रहेगा। पर अब हर साल में डेप्रिसिएशन लगेगा, पहले साल में उसकी वैल्यू 20 रुपये जितनी कम हो गई, ठीक है, दूसरे साल में और 20 रुपये कम हुई, तीसरे साल में और 20 रुपये कम हुई। ठीक है, पर हमें ये वाला डेप्रिसिएशन, ये वाली वैल्यू नहीं लेना है, हमको लेना है टोटल डेप्रिसिएशन। मतलब फर्स्ट ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 20, सेकेंड ईयर में पहले का 20 और ये साल का 20 मिला के टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 40, थर्ड ईयर में वापस और वो साल का 20 ऐड होके टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 60। ठीक है, तो अब नेट ब्लॉक कैसे बनेगा, ग्रॉस ब्लॉक में से ये टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 मिलेगा, बाद में ये 100 में से 40 होंगे, 60 बचेगा, बाद में 100 में से टोटल 60 डेप्रिसिएशन है, 40 वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो ये जो नेट ब्लॉक है ये एक्चुअली गिना जाएगा कंपनी के फिक्स असेट में। ठीक है, नाउ डेप्रिसिएशन और एक जगह रिकॉर्ड होता है, मतलब एक्चुअली काउंट होता है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। वो कैसे, तो हम पीएनएल जब बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं, तब उसमें हमारा लॉजिक क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि कंपनी ने अपने माल बेच के कितना पैसा कमाया, जिसको हम बोलते हैं सेल्स या टर्नओवर। ठीक है, तो मान लो अपनी ये जो वेफ़र बनाने वाली कंपनी है, उसने वेफ़र के पैकेट्स बेच के कुछ पैसा कमाया होगा, तो वो लिखा जाएगा सेल्स में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो वेफ़र के जितने पैकेट बेचे हैं, वो बनाने में कितना खर्चा गया था, वो हम उसमें से माइनस करते हैं, जो कि कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लॉजिक क्या यूज़ किया जाता है कि कंपनी की जो मशीन थी, ठीक है, उसको यूज़ करके ही हमने पैकेट बनाया है, और वो पैकेट बेच के हमने सेल्स में रिकॉर्ड किया है उसका जितना भी पैसा आया। ठीक है, तो जब हम वो वेफ़र का पैकेट बेच के जब सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो वही वेफ़र का पैकेट बनाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं वो सारे माइनस करने हैं। ठीक है, तो उसमें से एक एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन। वो इसलिए क्योंकि ये वेफ़र का पैकेट बनाने के लिए वो मशीन जो है वो भी थोड़ा घिसा है। ठीक है, वो थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ है। ठीक है, तभी जाके वो वेफ़र का पैकेट बनाए। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये कंपनी कहाँ पे इंक्लूड करती है, अपने एक्सपेंसेस में, क्योंकि उसने वो जो वेफ़र का पैकेट बेचा उसके लिए जो खर्चा हुआ उसमें से एक खर्चा ये भी है कि मशीन जो है वो डेप्रिशिएट हुई है, मशीन का भी थोड़ा पार्ट जो है वो खर्च हुआ है। ठीक है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। तो हमने जो लास्ट टाइम ये जो इनकम स्टेटमेंट देखा था,
ठीक है। तो मान लो ये सेल्स जो है कंपनी की वो 1000 रुपीज़ है वेफ़र के पैकेट्स बेच के, ठीक है। तो कंपनी के जो एक्सपेंस हो गए वो वेफ़र के पैकेट बनाने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल मतलब पोटैटोज़ उन्होंने ख़रीद के जब लाए थे, ठीक है, उसके बाद उन्होंने वो उसको प्रोसेस किया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई होगी, ठीक है, लेबर यूज़ हुआ होगा, पावर एंड फ्यूल जो है उसका एक्सपेंस हुआ होगा, तो ये सारे एक्सपेंस जो है वो तो कंपनी गिनेगी, उसके साथ डेप्रिसिएशन भी ले लेगी, क्योंकि ये जो मशीन है वो भी उसका भी थोड़ा खर्च हुआ है ये वेफर का पैकेट बनाने में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड होगा, ठीक है, एक्सपेंसेस में। नाउ एक और चीज़ बाकी रह गई है, और वो ये है कि आपने बैलेंस शीट से रिलेटेड एक वर्ड सुना होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको पूछे कि भाई कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे कि भाई कंपनी का डेट इतना है और कंपनी का इक्विटी इतना है, ठीक है। ये वर्ड क्यों ऐसा बना है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कंपनी ने जो कैपिटल इकट्ठा किया है, कैपिटल मतलब पैसा, तो वो पैसा किस किस फॉर्म में इकट्ठा किया है उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जनरली क्या होता है, इक्विटी मतलब शेयर से जो कंपनी पैसा लाती है वो अराउंड 25% होता है, और जो कंपनी ने जो उधारी की है शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो वो जनरली 75% होता है, ठीक है। पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी की इक्विटी 50% है और डेट 50% है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कंपनी की इक्विटी 75% है और डेट 25% है, ठीक है। पर अगर ये कंपनी के लिए क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई उसका इक्विटी कितना परसेंटेज है, टोटल उसका जो पैसा आया है कंपनी के पास उसमें से इक्विटी का पार्ट कितना है और उसमें से डेट का पार्ट कितना है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हमने जो आज सारे कंपोनेंट देखे, ठीक है, बैलेंस शीट के, फिर उसके अंदर जो हमने ये कैपिटल स्ट्रक्चर भी जो आज देखा, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है तुम्हारे रेशियोज़ डिराइव करने में, ठीक है। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये हम यूज़ करेंगे आगे, जितने भी रेशियोज़ हम देखेंगे उसमें ये कंपोनेंट्स का यूज़ होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो रेशियोज़ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।